हेलो फ्रेंड्स, आपण माने जदी एपर्यंत मो चैनल तो एहीपरी सब्सक्राइब करी बेल उपरे क्लिक करंतु ताकि मोर सब वीडियो आपण मानक पाखरे पहुंचि पारिबो। जदी आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब न करिवे तो मो वीडियो आपण मानक पाखरे पहुंचि पारिबोनी। जदी आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे मु जे कोनसी वीडियो अपलोड करिवे आपण मानक पाखरे पहुंचि जिवो। तो फ्रेंड्स, आज मु आपणक सहित शेयर करिवी एको एपरी अमेजिंग फेशियल जहां आपणक हाइपर पिगमेंटेशन को मुहर सब कला दाग को सन टैन को डार्क स्पॉट पाई बहुत भल हेबो। यही फेशियल को सप्ताह रे दुई थर कले आपणक स्किन रो सब डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन सन टैन मुहर सब कला दाग दूर होई आपणक स्किन बहुत क्लीन क्लियर ओ गोरा हेबो, आपणक स्किन ग्लोइंग हेबो। तो चालंतु देखिबा यही फेशियल को आमे किपोरी तयारी करिबा। जदि एपर्यंत मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करना तो यहीपर रेड कलर सब्सक्राइब उपर क्लिक करी सब्सक्राइब करनी एवं बेल उपर क्लिक करी नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु। यह द्वारा मोर सब वीडियो आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। तो सबुठ प्रथमे आमे नेबा गोटे आलू ताकु यहीपर भल भाव यहीपर करेबा एवं तहार जूस आम बाहर करेपर भल भाव कोरी यार रस आम यार रस बाहर करपरी आलू को भल भाव धोई यहाँ आपे चोपा छड़ा ना पी यार रस बाहर करपरी आलूर रस बाहरी गला। तो फेसियल फास्ट स्टेप हूँ क्लींजर, आम एवं क्लींजर बनवा। तो क्लींजर बनवाई आम ने एक बा एक कंटेनर रे आमे नेबा दुई चामच आलूर रस। बस एथिरे एबे आमे नेबा फाळे लेंबूर रस भल भाव मिक्स करनबा एवं एथिरे आमे गोटे कॉटन पेयर को एहीपरी डीप करी आपणक फेस को आपण एहीपरी भाव क्लीन करंतु। एहीपरी क्लीन कले आपणक स्किन सब डॉट कंप्लीटली क्लीन हो जाए। एहीपरी क्लीन करी मुह को थंडा पानी रे धोई नियंतु। तो सेकेंड स्टेप एक्सफोलिएशन, यह आम ने गोटे चामच चाउल गुंड एथिरे एबे आम ने दुई चामच आलूर रस एथिरे एबे आमे नेबा दुई चामच कंचा क्षीर इहाको भल भाव मिक्स करनेबा। तो यह प्रस्तुत हो गला आमर स्क्रब। तो यहाँ आपण आपणक मुह आउ बेकरे सर्कल मोशन गोल गोल भाव धीरे धीरे हल्का हल्का भाव 10 मिनिट पाई मसाज करंतु। मने रखंतु स्क्रबिंग कला बेले सब बेले धीरे धीरे मसाज करिवे, जोर मसाज करिवेनी, एहीपरी हल्का हल्का धीरे धीरे मसाज करंतु। यही स्क्रब रे मु आलू रस और कंचा क्षीर नेइछि जहां आम डल स्किन को ब्राइट करिवो और यह छड़ा आलू रे ब्लीचिंग एजेंट और कंचा क्षीर रे लैक्टिक एसिड रहिछि जहाँ स्किन रु डार्क स्पॉट को पिगमेंटेशन को और सन टैन को दूर करी स्किन को क्लीन क्लियर और गोरा करिबो। 10 मिनिट एही परी स्क्रब कला परे ठंडा पानी रे आपण आपण मुह को धोई नियंतु। तो एबे आमे करिबा फेशियल मसाज। तो एथि पई आमे नेबा गोटे चामच एलोवेरा जेल, एथिरे आमे नेबा गोटे चामच आलूर रस, गोटे चामच कंचा क्षीर यहाँ भल भाव मिक्स करनेबा पर भाव भल भाव मिक्स करनी। यह रेडी हो गला आमर क्रीम। एथिरे आमे यहीपर भाव आपणक फेस आपणक मुह और आपणक बेक को यहीपर भाव भल भाव 10 रु 15 मिनिट पाई हल्का हल्का मसाज करंतु। जेपरी फेशियल मसाज करा जाए पर भाव मसाज करंतु। यहीपरी फेशियल मसाज कले ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है जोथिपाई स्किन ग्लोइंग होता है, स्किन रु एज स्पॉट रिंकल्स दूर होता है, स्किन यूथफुल और ब्राइट होता है। यहीपरी 10 मिनिट
ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଏହିପରି ଭାବେ ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ହାଲକା ହାଲକା ମସାଜ କରିବା ଏହାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ଓ ମୁହଁକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ମସାଜ କରି ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମ ଫେସିଆଲ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାହାକି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଆମେ ବନାଇବା, ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନେବା 1 ଚାମଚ ମୁଲତାନି ମିଟି, ଏଥିରେ ଆମେ ନେବା 1 ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଚୁନା କୁହନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆମେ ନେବା 2 ଚାମଚ ଆଳୁ ରସ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏହା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆମର ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍। ଏହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ ମୁହଁ ଆଉ ବେକରେ ଭଲ ଭାବେ ଏହିପରି ଲଗାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଯିବ ଆପଣ ଏହାକୁ ହାଲକା ହାଲକା ଶୁଖିଯିବ ଏହାକୁ ଆମେ ଧୋଇ ନେବା। ତ ଏହି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଆପଣ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଏହି ଫେସିଆଲ୍କୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରୁ ସବୁ ସନ୍ ଟ୍ୟାନ୍, ଡାର୍କ ସ୍ପଟ୍, ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ବହୁତ ବ୍ରାଇଟ୍ ଓ ଗ୍ଲୋଇଂ ହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ଧୋଇ ନେବେ ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିନେବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମୋତେ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତବ୍ ତକ୍ କେ ଲିଏ ବାଏ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର।